यहाँ से ब्रीफिंग आप साइड में जाइए इसे मैडम 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 तो सर चार मंजिला बिल्डिंग है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये काम किया ग्राउंड फ्लोर तो 15,000 फर्स्ट फ्लोर पे 12,000 सर सेकंड एंड थर्ड फ्लोर तो 8,000 यहाँ से जनाब एंट्री करते ये रोड है यहाँ से मूव के सर ये हमारी मेन बिल्डिंग फॉरेस्ट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट अक्सर ब्राजील मॉडल की चर्चा करते हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित इंटरनेशनल सेमिनार ब्राजील की चर्चा बहुत इसको जो थोड़ा बहुत मैंने समझा है वो इस बात की तरफ इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों जन भागीदारी पर ही आधारित हो सकता है कई प्रयोग हमारे भारत की बात ने किया है बच्चियों के नाम से पेड़ लगाना वन बीच वन गार्ड अनेक कार्य पर पेड़ पिछले दो ढाई वर्ष में मैंने स्वयं देखा और काफी सफल प्रयास रहा मुझे लगता है कि हमें और भी इस तरह के प्रयोग आने वाले दिनों में जन भागीदारी के आधार पर करने की आवश्यकता है पर्यावरण संरक्षण के सभी प्रयासों में स्थानीय लोग ओनरशिप ले सके इस दिशा में हम कैसे काम करेंगे इसके लिए हमें संवाद स्थापित करना हो दफ्तर में बैठ करके शायद ये काम नहीं कर सकते ट्री प्लांटेशन विकसित हो जाए ग्रीन एरिया की मॉनिटरिंग और वॉलंटियर्स इन सभी प्रयासों से कैसे जुड़े तकनीक का सहारा कैसे अधिक से अधिक लोग लें ये प्रयास होना चाहिए ग्रीन जम्मू कश्मीर टाइप से ज्यादा वॉलंटियर पर कमजोर सिखाए पर्यावरण संरक्षण के संबंध में समाज के ऊपरी स्तर से लेकर निचले स्तर पर चेतना अगर विकसित हम कर पाए तो एक बड़ा योगदान हमारा होगा समाज का हरेक नागरिक ग्रीन एक्वाडर विश्व का अकेला देश है जिसने 2018 अपने संविधान में परिवर्तन करते हुए प्रकृति को लिविंग इंटिटी का दर्जा दे सदियों तक यह औपचारिक रूप से भारत की परंपरा का दीगर मामलों के जानकार इस बात पर अपनी राय देते रहे समाज को उसी परंपरा पर वापस जाकर प्रकृति के समस्त रूपों से इंसान का दर्जा देना हो तो योजना बनाकर अलग से स्लोगन नहीं बनाना है हमें अलग से आंदोलन नहीं शुरू करना है बल्कि लोगों की चेतना को ही जागृत करना है ताकि पर्यावरण संरक्षण हमारी दिनचर्या का हमारी आदत का हिस्सा हो सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल जीवन से भी इन दोनों के सामंजस्य से पर्यावरण के प्रति एक दो छोटी बातें कहते थे तो मैं बताई दूंगा गिरा था आपको आप सब जानते हैं श्रीनगर केटल लेक चार चिनार की बात बहुत होती थी लेकिन चार चिनार थे मैंने गिरा साहब टीम ने पूरा किया इसके लिए मुझे बधाई देता हूँ एक दूसरी बात आप सब जानते हैं कि पूरे देश जम्मू कश्मीर में मैं कारों की तरफ नहीं जाता हूँ देर से शुरू मुझे जहाँ ये बताते हुए प्रसन्नता है कि कम्युनिटी राइट्स काफी हद तक देखिए लेकिन इंडिविजुअल राइट्स अभी तक पूरे जम्मू कश्मीर में 250 लोगों को दिए ये अच्छी स्थिति है जो कानून है देश में संविधान है मैं नहीं कहता किसी गलत आदमी की लेकिन सही लोगों के अभ्यावेदन अप्लीकेशन को रिजेक्ट करने की आदत फिर पाकते बन गई इस विषय को मैं बहुत गंभीरता से कर रहा हूं मैंने गिरा साहब से मैंने उसको निवेदन किया जिसका जो वाजिब हक है कोई भी सरकार कोई भी प्रशासन समाज में जो कमजोर लोग हैं उनके लिए काम करता है और
और ये उनका संवैधानिक हक है, वाजिब हक है, और इसे अगर आप कहने में कोताही करेंगे तो मुझे लगता है कि ये उचित बात नहीं है। और मैं गिरा साहब से अपेक्षा रखूंगा और उन सचिव महोदय से भी मेरी अपेक्षा होगी कि जो वाजिब पात्र है उन्हें वाले मिलना चाहिए, जिनके पास कारण इतनी कठिनाई में जीता है, क्या मानवीय संवेदना एकदम मर गई, क्या इतने गैर जिम्मेदार हो गए कि मानवीय संवेदनाओं हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं और आज मैं ये बात कहता हूं कि हर दो महीने पर इसकी प्रगति की समीक्षा मैं स्वयं करूंगा और जो लोग इसमें अवरोध पैदा करेंगे मुझे लगता है उनको कई बार सोच लेना चाहिए कि अवरोध पैदा करना उचित नहीं। मैं किसी से नहीं कह रहा हूं किसी एक गलत आदमी, लेकिन जब उनका अधिकार है और वो अधिकार न दिया जाए जो संविधान ने दिया, ये उचित बात नहीं है। इतनी बात करके एक बार पुनः फॉरेस्ट मैनेजमेंट सेंटर के आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर्यावरण संरक्षण ही आदमी बनाने और संपूर्ण इकोलॉजी पर पड़ रहे प्रभाव के अध्ययन में ये काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। फिर से मैं आप सबके हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी बात यही पूरी करता हूं।